24 तारीख को होगी भाई काम, रोज न्यू लागा जानो, कल का रह गया, परसों रह गया, कल का रह गया, लेकिन आज भी कुलदीप क्या दिन का लगा रह गया, पर अब एक दो दिन का बचा है भाई, एक दो दिन का बचा है। नहीं हाँ। लास्ट के दिन हम ऐसे ही हुआ है हाँ। भाई यहाँ निपट गया, उसके बाद फिर पता लगता है कि पास वाले गांव में रह गया हाँ, कोई कंबाइन छोड़ के चली गई, किसी के जेंट की कंबाइन चलेगी हाँ, वो तो ऐसा ही काट रहे हैं भाई। अभी जो है बोदली के पास वाले गाँव में काट रहे हैं, दोबारा फिर बोदली के पास वाले गाँव में आ गए और उधर अपने वो चल रही है नीचे पे कंबाइन, नीचे ऊंचे खेत को ज्यादा है यहाँ पर, और मिलाते हैं आपको जमींदार से भी जिसका काट रहे हैं। बस कुछ कितना 17-18 बीघे थोड़ा ने हाँ, बस इतना 17-18 बीघे थे भाई, एक प्लाट ये रह गया मेरे ख्याल में 6-7 बीघे का और आधा का बीघा ये ऊपर रह गया। उन्होंने सभी गांव के कट चुके हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं, लास्ट है अपना ही है। लास्ट क्यों रह गया आपका? वो सीजन में बोने में लेट हो गए थे, बोने में लेट हो गए थे और क्या, और कुछ लंबी वैरायटी का था, इसमें पानी एक ज्यादा घुमाना पड़ता है, कुछ लंबी मतलब ज्यादा दिनों बाद पकती है फसल है। हमने देखा पूरे गांव के फसल कट गई है, पूरे गांव की। जब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे करके उस गांव में बचे हैं 15-20 बीघे हाँ, और कोई हार्वेस्टर वाला नहीं जा रहा है, तो रामजी लाल ने बोला तो चलो हम काट आते हैं भाई, ऐसे ही लास्ट के टाइम अभी बोदली में उस संदला में आग लग गई थी ना, हाँ वो भी सच्चाई, ये लोकल कंबाइन है इसलिए सोचते हैं अभी चलो सारे काट के चले। और कल जो है संदला में आग लग गई थी, वहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, ऐसे बचाव रह गया। तार ढीले रहते, तो इसी हिसाब से हमें भी योजना, चलो हम भी यही सोचते हैं पूरे नुकसान ना हो किसी का, तो हमें पता चला तो यहाँ पर काटने के लिए आ गए और फिर उसके बाद देखते हैं जो लाना में कुछ बचा है। कंबाइन के ऊपर चढ़ कर वीडियो बना रहे हैं, संदला कमांड है, कहीं भी आस पास कोई एक दो बीघा भी नहीं मिला, अगर कोई मिलागा तो बिल्कुल आराम मिलागा, और उसने भी हाथ बड़े काट रही है, सारा को पूछ लियो रखो कहीं बात मन से भाई आस पास के रुक जमीन चाहिए। भाई के पास मिला है फोन, इनके गुमाने में आए हुए थे, चाय लेके आया है। रवि अपने गांव में कोई बचा? बस आज फाइनल हो गया है, बचा था यार, तो अभी 2-3 दिन पहले आई थी गाड़ी हाँ, तो अभी थोड़ा काम बचा था, आज काट के यहाँ का फाइनल हो गया, किसी का भी काटना है बकरी। और एक कंबाइन थी यहाँ पर प्रीत जो चल रही थी हाँ, हाँ। उसका क्या हाल हुआ, क्या दिक्कत होगी उसको? ऐसा हुआ कि उसका भी यहाँ सीजन कंप्लीट हो गया, तो उसको कहीं बाहर ले जानी थी उज्जैन साइड हाँ, तो उसके फोरमैन रात को ही चले गए, चले लिए घर के लिए, मतलब भाग गए हाँ। और गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो टोल पे खड़ी है अपने गाँव के पास में, टोल पे खड़ी है हाँ। तो ये उन्होंने कहा होगा भाई यहीं पर सीजन लगाना है, बाहर का सीजन कुछ बात थी, बात हुई थी उनकी, एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया था उनको, अच्छा कि तुमको जो तुम यहाँ तो लगाया था उसकी तो बात पहले ही हो गई थी सीजन की, वो पेमेंट उन्होंने दे दिया, अच्छा तो बाहर लगाने की बात हुई उसका भी पेमेंट उन्होंने दे दिया और वो फोरमैन लेके चले गए, अच्छा वो भी पेमेंट लेके बाद की भी हाँ, और रात को निकल गए हाँ, रात को निकल गए। तो भाई इस करके थोड़ा बता एरिया बचा था तो वो भी निपट गया आज। ये भाई तेजस गेहूँ का हाल है, पूरा कटर का वाला ऊपर साडा में इस तरह टंग जा, देख कितना टंग रही है ये मुच्छी, सारा कटर वाल पगो जितना मुच्छल जीरी का वो अपना धान का। भाई ट्राला लिया जोड़, अरे वो अपना उस साइड रह गया बोदली गांव जो सामने दिखाई दे रहा है अपना घर, बाकी सारा एरिया क्लियर हो लिया बिल्कुल। बहुत बाग गाला करमाला गांव हो भाई, जिसमें मोर नाचा है, लगभग जंगल का आसपास पाए जाने ज़्यादातर, लेकिन एमपी के इस गांव में भी बहुत मोर हैं, पहले देखे थे उस दिन वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन आज ये इधर घूम रहे हैं दो पक्षी दो। आज भाई जुलाना पेट्रोल पंप पकड़ा दी कंबाइन, पहली बार पंप पर लाई है मशीन, क्योंकि यहाँ पर रह गए 15-20 बीघे काटने, बाकी तो दो गाँव में काटे, बाकी एक प्रीत में 25 मार्च हो गई भाई, पंप अपनी कंबाइन रात खड़ी करके गए थे और आज पंप का स्टार्ट करांगे, पूरा कुछ है 15-20 बीघे जुलाना में काटना, फिर संदला में ले जाएंगे, तो आज और कल का फाइनल है मेरे रखा हफ्ता, तो बाकी देखेंगे खेत में जाकर के कुछ बच रहा है कुछ नहीं, संदला गया मैं मारी और से तो बस यही 15-20 बीघे संदला में बचे हैं। और आपको ऐसी भी कहीं दिखाऊंगा भाई जो मतलब आता है कोई 20-25 अप्रैल के पास आएगी, 15 अप्रैल 20 अप्रैल घने लेट है। आज भाई उरा बाट दिए 10 बीघे, अरे वो आ रहे हैं बिल्कुल पहाड़ की चोटी का नीचे, पूरा टोपी मास्टर इधरा, कितना खेत कट गया इधरा? 4 बीघा। ये क्या चक्कर है इतनी गिल्ली के कटवा रहे हैं, देखिए भाई कितनी नीचे आई यार, इतनी गिल्ली कटवा दी टैंक में क्यों कटवा रहे हैं? पानी आने वाला
और ये बच्चे हैं ये भी कटवा ले, फिर इसको कौन काटेगा बाद में? मजदूर काट रहे हैं, मजदूर काट रहे हैं। अब हमारे लिए कोई काम बचा है इधर? खत्म। एक बीघा बचा है, एक बीघा बचा। चलो अभी काट देंगे, बीघा बीघा भी काटा गया भाई इस भाई का। और बिल्कुल पहाड़ के नीचे है, रुंडे के नीचे है तुम्हारा खेत, है ना? लो भाई 26 तारीख हो गया, 26 मार्च आज करेंगे एंड यहाँ का। 20-25 बीघे बच रहे हैं, काट के फिर चलेंगे हरियाणा सुबह सुबह। वहीं खड़ी अपनी गाड़ी जहाँ खड़ती है सुबह, रात को यहीं खड़ी कर दी थी रोक के। आज जो है गांव संदला के जो पड़ोस में गांव है, गांव कौन सा गांव भाई? साजोद गांव है। साजोद, साजोद गांव। और तहसील? तहसील सरदारपुर। और डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट धार है भाई। यही लगता है जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट जो है सेम है, लेकिन ये जो है गांव दूसरा है। यहां पर जो है आधे से ज्यादा गेहूं की कटाई हो चुकी है। हाँ। और हार्वेस्टर जाने के बाद जो है लोकल गाड़ी के पास ही आते हैं, क्योंकि बाहर की जो हार्वेस्टर है वो लगभग चली गई है यहाँ से। और भाई के पास आए हैं, किसान के पास ये जो है भाई फ्रूट की और जैसे तरबूज, अमरूद, अदरक जो है बहुत ज्यादा वैरायटियों का जो है पैदावार करते हैं, खेती करते हैं, तो इनसे लेंगे जानकारी थोड़ी तरबूज के बारे में, क्योंकि अब जो है हमारे वहाँ भी तरबूज बहुत कम होता है और तरबूज का जो है अभी सीजन भी आ गया है। क्यों भैया? हाँ, तरबूज का सीजन है। तरबूज में बहुत अच्छी उत्पादन है, भाव राव मिल जाए अच्छा तो अच्छी पैसे अच्छे आ जाते हैं। लेकिन 2-3 महीने की फसल है तरबूज की। 2-3 महीने की? हाँ, 3 महीने की है। और बीज हम खरीदते, बीज पौधे पूरे खरीदते हैं, 3 रुपए का एक पौधा होता है हमारा, जिससे 3 लगाते हैं मंचिंग करके, ये पूरा ऊपर बरसाती लगा के मंचिंग के साथ। तो भाई आगे की जानकारी तरबूज की लेंगे, तरबूज के खेत में अभी फिलहाल खड़े हैं जाम के। देखो भाई अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज का ही फर्क है, ये जो पेड़ अपने वहाँ अमरूद बोलते हैं इसको, और यहाँ पर जाम बोलते हैं। पहली बार है ये पिंक ताइवान, पिंक ताइवान। और इसको जो है कवर करते हैं इसके जो फ्रूट के, जैसे ये कवर किए हुए हैं इन्होंने ऐसे लिफाफे लपेट के जो पैकिंग में आता है अमरूद, तो यहाँ पर इसको जाम बोलते हैं। भाई ये जाम कितने दिनों का हो गया है जो पौधा है जाम का? ये पौधा हो गया है 11 महीने का। 11 महीने का? 11 महीने का पौधा है। और इसमें अभी फल लगे थे तो हमने बेकिंग कर रखी है, बेकिंग में इसमें लगाए हैं फोम, पन्नी और पेपर तीनों। अभी इसका क्या रेट चल रहा है अमरूद का? अमरूद का रेट चल रहा है 50-60 रुपए किलो। यहाँ पर कौन सी मंडी में बेच कर आते हो? यहाँ नहीं है तो दिल्ली आजाद नगर में ही बिकती है। अच्छा, यहाँ से चली जाती है डिलीवरी? हाँ, डिलीवरी हो जाए 10 किलो के बॉक्स में रखे जाते हैं। हाँ। तो वही जाती है। आपने जो है ये कौन से महीने में लगाए थे जो अमरूद के पेड़ है? ये तो हमने 11 महीने पहले लगवाए थे ना। 11 महीने पहले? हाँ। और अभी जो ये पेड़ अपना मतलब जो तोड़ाई होती है, जो फल देने लगता है। हाँ। कौन से महीने में देता है ये? वैसे तो जनवरी फरवरी में भी रहता है, और अगर दो बार फसल ले सकते हैं। मतलब कितने साल का जो पेड़ फल देना स्टार्ट कर देता है? ये तो 10 महीने से फल देना स्टार्ट कर देता है। 10 महीने से ऐसा हो गया फल दो आप उसके भरपूर। देखो भाई बाग के बिल्कुल नजदीक अपनी चल रही हार्वेस्टर, और ये जो मतलब 10 महीने का पेड़ रहता है उसके फल देना तो स्टार्ट हो जाता है। अगर लगभग अच्छी पैदावार की बात करें तो मतलब दो साल का पौधा होगा ना, तो लगभग बहुत पैदावार होगा इसमें। उसके बाद चलते हैं तरबूज वाले खेत में, वो दिखाते हैं आपको। ये हरियाणा में आपको दिखाया था नरवाना के अंदर जो बाग था अमरूद का, वही सेम सिस्टम है यहाँ पर है। जैसे ही 2 साल के पेड़ हो जाएंगे तो इनकी पैदावार बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इनको जो है प्रॉफिट होना तभी स्टार्ट होगा। जैसे आपने अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं, इनके बीच में से भी कोई फसल लेते हो? जैसे लेते हैं ना, बीच में फसल हो जाती है। अभी ये छोटे 10 महीने के हैं, तो उसके बीच में गोभी है, अदरक है, धनिया है, चने हैं, ऐसे फसल लगा देते हैं इसमें, ताकि जब तक ये पेड़ मतलब बड़ा होने के बाद कोई फसल नहीं होती है। 2 साल बाद फिर यहाँ कोई फसल नहीं होगी, केवल अमरूद ही होंगे। चलो भाई प्रॉफिट जो है ये पेड़ तब, उसके बाद पेड़ की आमदनी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप जो है साइड से भी आमदनी जो है बनी रहती है। और तो ये खेत अभी जहाँ तक भी आपको नजर जा रही है उस साइड भी है खेत काफी तरबूज के, जैसे आप देख रहे हो। और इन्होंने अभी तैयार किया है तरबूज। भाई ये तरबूज मतलब कितने दिन का होगी बेल अपनी? ये अपनी होगी ये 45 दिन की होगी। 45 दिन की? हाँ, 45 दिन की बेल हुई है। 15 दिन और लगेंगे इसमें पकने में। हाँ, 15 दिन के अंदर ये पूरा
कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर बेच देंगे। जैसे कौन से महीने में आप इसे खेत में लगाते हो? इसको लगाते हैं जनवरी में, जनवरी में स्टार्ट करते हैं, जनवरी एंड में यानी कि 26 जनवरी को लगाया था। हाँ, 26 जनवरी को लगाया था। आप मिला लो, आप कितने दिन हुए आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, अभी तक अभी जो है 25-26 मार्च हो गई। हाँ, ये दो महीने हो गए, हुआ 45 दिन बोल रहा हूँ ना। हाँ, 60 दिन में 45 दिन के अंदर ये वो लगाए हुए। हाँ हाँ, उसके बाद फिर ये बीज खड़ा हुआ उसमें 15 दिन वो उसमें खत्म हो जाते हैं। और जैसे इसको लगाने का तरीका क्या है आपका यहाँ पर? ये पहले तो हमने ये लगा रखी बरसाती। ये देखो भाई, पहले इसको ओली बना दी। हाँ, खेड़ा उसको पहले बेड बनाया। हाँ, बेड बना दिया। बेड बनाने के बाद उसपे 4 फीट की जिसको मंचिंग बोलते हैं या पॉलिथीन वो लगवाई। उसके बाद इसमें छेद किए, छेद करने के बाद पौधे लाए, पौधे इसमें नलियां डाली ड्रिप की और पौधे लगवाए और फिर ये तैयार किया और इसमें खाद वाद सब तैयारी घोल से डाल जाता है। ये क्यों लगाते हैं पॉलिथीन जो आपने कवर किया हुआ है? ये कवर इसलिए किया हुआ है, इससे ना तो थ्रिप्स मकड़ी का मतलब दवाई छिटने में कम दवाई यूं ज्यादा खरपतवार जो घास वगैरह घास नहीं घास से ज्यादा अपने को फल अच्छा हो और नहीं होते ना। हाँ, पॉलिथीन लगाने के बाद फल नहीं होते हैं, फल क्योंकि बीमारियां बहुत आती है। अच्छा, इसी से आएंगे, इसीलिए पॉलिथीन लगाते हैं। हाँ, और अभी जहाँ पर जैसे तुम्हारे स्टेट में गर्मी बहुत पड़ती है। हाँ, तो पानी भी ज्यादा देना पड़ता होगा इसको? पानी तो बहुत देना पड़ता है इसमें, डेली का 3 घंटा पानी देना पड़ता है इसको। अच्छा, अभी फिलहाल की स्थिति में डेली अभी 3 घंटा 15 दिन तक पानी चलेगा इसमें, तभी ये तरबूज में पानी आएगा, तभी ये बड़ा हो पाएगा। अच्छा, इसीलिए यहाँ की मेन मंडी कोई तरबूज की जो आप जहाँ पर भेजते हो? यहाँ की मेन मंडी तो कोई नहीं है, यहाँ खुद खरीदने आते हैं, बाकी तो ये यहीं के आसपास के खरीदने आते हैं, पाटन वाटन राजस्थान से ही खरीदने आते हैं, यहाँ मंडी नहीं है आसपास में। अच्छा, वो फिर आगे सप्लाई करते हैं? वो आगे सप्लाई करते हैं, हमसे कोई जो रेट हुआ यहीं से तुलवा के जैसे 8 रुपए किलो 10 रुपए किलो हमसे यहीं खरीद लेंगे, चाहे आगे 12 बिको 20 बिको 5 बिको वो प्रॉफिट लॉस उनका है, उनका ही। और पैसे वगैरह मतलब कोई ठगी बग्गी तो वगैरह नहीं है? पैसे तो हम यही गाड़ी भराई और यही पैसे ले लेते हैं। अच्छा, पैसे तो यही लेते हैं। और अच्छी पैदावार जो आपको मिल रही है? पैदावार है इसकी, अच्छा उत्पादन, अगले साल भी मैंने यही करा था, तरबूज इसी खेत में था और मेरे को इसी खेत से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, जैसे गेहूं का मतलब गेहूं से अच्छा उत्पादन है? तो अच्छा है गेहूं, अगर आप इतने बीघा में एक बीघा में अगर गेहूं लगाओगे तो कितने प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा इसमें, 1 लाख 20,000 के गेहूं हो जाएगी, ज्यादा नहीं 20-30 हजार के हो जाएंगे, इसका प्रॉफिट हुआ मेरे को 1 लाख का, तो प्रॉफिट इसका ज्यादा हुआ ना। तो ये कुछ भाई खेती थी जो आपने दिखाई है भाई की, और ये जैसे यहाँ पर लगा रखे हैं तरबूज, इससे बड़ा खेत जो नहर के उस पार है, ये इनका घर है जो ये, इसलिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ लगा रखा है, उस साइड जो है जाम के अमरूद के पेड़ है। तो कुछ भाई कुछ जैसे बाग वाले हैं सब्जियों वाले हैं, कुछ जानकारी नहीं होती उनको, जो लंबे समय से सब्जी का काम करते हैं उनको ज़्यादा जानकारी होती है फ्रूट का, तो इसके बारे में एक जुगाड़ बताएंगे भाई, जो कीटनाशक का ले रहे हैं, ये क्या डब्बा है भाई साहब? ये है फल मक्खी का, जो कि अपने फल आते हैं उसमें मक्खी बैठती है और फल को खराब करती है। हाँ, उसके लिए स्पेशल ये फल मक्खी का एक कैप्सूल है। हाँ, जो कि हर खेत में हर जगह लगाया जाता है कैप्सूल। अच्छा, जिससे मक्खियाँ एक दिन की इतनी सारी हो जाती है मक्खियाँ, देखो ये मर गई सब, सब मरी हुई हैं, एक भी नहीं, इसके ये इसकी गंध से ही इसके पास ही आएंगी। अच्छा, और इसी के अंदर होगी इकट्ठा और ये मक्खियाँ इतनी इकट्ठी हो जाती है 2 दिन के अंदर, यहाँ मक्खियाँ एक नहीं आएगी कभी भी। अच्छा, हाँ, फल खराब नहीं तो होगा। अगर ये आप लगा दोगे भाई तो आपके फल में जो है कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, जैसे कीड़े नहीं लगेंगे, ये मक्खी है डंकी, डंकी, हाँ, डंकी फल के ऊपर बैठती हैं और फिर उसके अंदर जो है कीड़े पैदा कर देती हैं। हाँ, और कोई भी ये सब्जी फ्रूट में आप लगा सकते हो, बहुत बढ़िया जो है, इससे जो है कीटनाशक छिड़कने का मतलब वो कम रहता है, ये जो है भाई पैदावार जो इन्होंने करते हैं ऑर्गेनिक है, मतलब कोई जहर का या किसी प्रकार का स्प्रे नहीं इन्होंने किया, ये देसी तरीका अपनाते हैं, इसमें ही कीटनाशक वगैरह जो हम वो आ जाते हैं और फसलें जो इनकी बची रहती है। इसकी वैरायटी है भाई जो, जैसे इसका तुड़वाई का टाइम है, ये नहीं है कि इसकी बार बार तोड़ा जाएगा, बस इसकी जो है कितने टाइम मतलब 60 दिन का हो जाएगा? 60 दिन के बाद हो जाएगा, ये सभी फल पक जाएंगे, छोटे। अच्छा, बड़े 4 किलो से तक और एक 500 ग्राम का भी मतलब कि पाव का वो भी पक जाएगा। अच्छा, तो उनको एक ही बार में पूरा के पूरा तोड़ाई कर लेंगे, पूरे खेत के एकदम तोड़ देंगे, पूरा जितना भी गाड़ी भराएगी उतनी गाड़ी भरा जाएगी, 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी छोटी पिकअप हो, मतलब ये जो है बेड़ लगी हुई है इनसे जो है तरबूज को सिर्फ एक ही बार तोड़ा जाएगा। हाँ, चाहे वो पाइया का है मतलब आधी किलो का 5 किलो का, चाहे जो भी मर्जी वेट हो उसका,
और इसका भाई का कहना भाई सबका सब जो फ्रूट पका हुआ मिलेगा आपको, कोई भी कच्चा नहीं मिलेगा, मीठा मिलेगा। ये देख लो भैया फिलहाल जो है इतने बड़े तैयार हुए 45 दिन के हैं, इतने बड़े तैयार हुए कच्चे हैं अभी। बहुत मुश्किल रास्ता था भाई जहाँ से गाड़ी निकाल के लेके आए हैं अब, और अभी तो मैं लेट हो गया इधर वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो उधर से गाड़ी भी निकलवानी थी, वीडियो के चक्कर में गाड़ी ख़राब हो जाए। ऐसे ऐसे रास्ते जो लास्ट में मिल रहे हैं क्योंकि सभी खेत कट चुके हैं और नए नए गाँव में जा रहे हैं खेत काटने के लिए। पूरे गाँव में एक एसी लग रहा है भाई, ये जो एसी लग रहा है पूरा गाँव में संतला में, जो भी कम से कम 100 बीघे के जमींदार हैं और सरकारी मास्टर हैं, हनुमान मंदिर है। ये देखो भाई नील गाय अब ऐसे घूम रही है बेचारी क्योंकि सारी गेहूं कट गई और खाली खेत हो गए, झुंड के झुंड इनके भाई फिरने लग रहे हैं। जो प्लेट बच गया हमारा एक तो 15-20 बीघे का, और भाई ये किस नदी था उस पार बच गया, काटेंगे इस नाज। रणजीत भाई थोड़ी पीछे हो, सुना फिर क्या हाल चाल है तेरा? राम राम सारे भाई, भाई। राम राम, और सुना भी क्या हाल चाल है? कैसा लगे सीजन एमपी का? बढ़िया लग गया भाई। बढ़िया लग गया, कितने बिके हो गए होंगे टोटल? टोटल बिके हो गए भाई 1500 1400-1500 के बीच में ना, तो भाई बाकी अगर राम जी दल बताओ तो अपना जानकारी देंगे, तेल तूल की सारी ब्रेक डाउन की जो भी हुई है। फिलहाल इसमें धरते हैं कटरवाला अपन चालू करते हैं। अबे ताऊ आज इसका लास्ट खेत काट रहे हैं अपा, कितना बीघा बच गया ताऊ? कितना बच गया अपना खेत? ये रामजीलाल जाना है 7-8 बीघा बच गया ना? हाँ 7-8 बीघा बच गया इसका, और तारीख होगी 26 हो गया मदर 26 तारीख होगी वह एंड करेंगे ताऊ का खेत में नारियल फोड़ कर जाएंगे फिर। बिल्कुल बढ़िया सीजन लग गया, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया इंसान है भाई एमपी के, जहाँ पर संतला और बोधली में आए हैं। फिर आना इधर गए साल? हाँ फिर आएंगे अगले साल, ऐसा नहीं कि मतलब आपके काट के चले जाओ, नहीं नहीं अगले साल आएंगे फिर देखेंगे। हाँ। बात बनी तो अपनी, हाँ ठीक है ना, तो अपनी फिर अपन गाड़ी लाएंगे, अलग गाड़ी लेके आएंगे रामजीलाल से, नहीं रामजीलाल के गए साल अपन खरीद लेंगे फिर। हाँ ठीक है खरीद लेंगे, आपकी गाड़ी चलाएंगे ठीक है। या इसकी बात हमें कह रहे हैं अपनी कंबाइन लेके आवेंगे, अपनी कंबाइन पाई हो तो जरूर आवेंगे चलावेंगे आप पड़ी ने भी। और आज का तो ला लो सीजन का ला लो एंड है भाई इसका खेत में, ये लास्ट खेत काट रहे हैं और बहुत बढ़िया मतलब बोधली के संधला के जहाँ के भी हैं इंसान किसान अपना बहुत बढ़िया लग गए, बहुत प्यार था बोल रहे हैं, और अच्छा एरिया भाई कोई दिक्कत नहीं है लूटपाट की, नहीं कोई भी दिन रहा जिस तरह मर्जी फिरो, बिल्कुल अपना हरियाणा पंजाब वाला माहौल है, बल्कि वहाँ था भी बढ़िया। हाँ भाई वहाँ था भी बहुत बढ़िया, मतलब दो बार हम कंबाइन ऐसे खड़ा के बग्गे खेतों में कहीं भी, रामजीलाल ने बोल दिया यहीं खड़ा दो एक भी नट नहीं खुलेगा, लेकिन हमारा तो नहीं दिल मान्य भाई खड़ा कर चले गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई है, यहीं पर ऐसे सामान पड़े रहते हैं चोरी वगैरह की कोई भी दिक्कत कभी आई नहीं है। तो भाई एमपी का अपना वो लास्ट खेत है, इसका बाद आज से हमने या कल सुबह निकल जाएंगे हरियाणा के लिए, और ये अपनी गाड़ी चल रही है इस साइड। तो भाई आप ये तो नहीं कह सकते भाई पूरी एमपी में काम खत्म हो गया, लेकिन जो हम यहाँ चले हुए हैं मतलब बदनावर तक गया था मैं और उस साइड सरदारपुर तक, तो आसपास की सभी जो है खेत कटे हुए हैं, कहीं पर आपको खेत जो है खड़े मिलेंगे 1-2 बीघा, कहीं 2-4 बीघा हो सकता है भाई, इधर उधर सड़क बड़ी सड़क से इधर उधर कहीं खेत खड़े भी हो, लेकिन मेरी समझ में जहाँ तक है बस इक्का दुक्का ही खेत बचे हैं, लेकिन सभी तो ख़त्म हो गए और हो सके किसी शहर में रतलाम में और पर। बाकी एमपी भाई बहुत बड़ी स्टेट है और कहीं पर अभी सीजन चालू भी हुआ है, तो हमारे ये लास्ट विलो होगा कटाई का, उसके बाद चलेंगे हरियाणा और अपना काम जो आज ख़त्म हो गया भाई। अपने साथ बने रहने के लिए ऐसे ही आगे भी लोग देखने के लिए अपने चैनल को करें सब्सक्राइब लाइक शेयर, और किसी भाई का कोई कमेंट हो तो कमेंट करो भाई, जवाब मिलेगा आपने जरूर। आज मदन भाई चला रहे अपना मशीन और रणजीत उतरे दोपहर तक आप काट रहे थे, ये थे अपने साथ जो थे भाई कुलदीप भाई राम जी लाल का भतीजा, और इसके पास ये ट्रैक्टर है। कौन सी क्लास में पढ़ा है कुलदीप? 10th क्लास अभी एग्जाम दे दी बस। 10th क्लास में पढ़ा है, उसके साथ साथ है जो है ट्रैक्टर चला हुआ अपना, किराए में क्या क्या करते हैं तुम ट्रैक्टर के साथ है? ये सोयाबीन भी निकालते हैं अपन थ्रेसर से मशीन से, और खेत वगैरह भी हंकते हैं, ट्रॉली भी डालते हैं, मंडी भी ट्रॉली ले जाते हैं। मतलब भाई थ्रेसर ले रहे हैं, जो गेहूँ कम निकाला सोयाबीन में ज़्यादा चला काम है, और ट्रैक्टर की बाई का हो गया जिस तरह, तो भाई बहुत मेहनती छोरा है भाई अपना,
और आज की वीडियो थी अपनी, यहीं तक की वीडियो देखने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद।